हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिकी की जो घटना चक्र आती है वार्षिकांक उसे देख रहे हैं। तो हम लोग इसे चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की है राष्ट्रीय परिदृश्य में, तो हम लोग चार भाग बना चुके हैं इससे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। ठीक है, आपको बता दें ये सभी पार्ट आपको जो अभी तक पढ़ चुके हम लोग ये मिल जाएंगे समसामयिकी घटना चक्र 2019 प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में डले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो फोर्थ नंबर का भाग देखा था उसमें हम लोग देख चुके थे नई जो शिक्षा नीति बनी हुई है मसौदा उसको देख चुके थे। अब इसमें बात करते हैं हम लोग लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव जो 2019 में आम लोकसभा चुनाव हुए उन्हें देखते हैं, उनके साथ जो विधानसभा चुनाव हुए थे जितने राज्यों में उन्हें भी देखते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सी लोकसभा चुनाव हुए, कौन सी भी थी, तो याद रखिए 17वीं लोकसभा चुनाव के चुनाव हुए। ये 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के मध्य हुए। कब? 11 अप्रैल से 19 मई। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। तो पूछा जा सकता है कि लोकसभा के साथ कितने राज्यों के चुनाव हुए थे, कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है चार के हुए थे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम। तो बात करते हैं 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद तीसरी बार ऐसा हुआ जब पूर्ण बहुमत से जीतने वाले किसी प्रधानमंत्री को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने देश की कमान सौंपी हो। तो जवाहरलाल नेहरू को सौंपी थी, इंदिरा गांधी को सौंपी थी और तीसरे नरेंद्र मोदी हैं। सरकार द्वारा जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके एक नया मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय गठित किया गया है। 17वीं लोकसभा चुनाव परिणामों की बात करें और प्रमुख राजनीतिक दलों की, तो इस प्रकार है उनकी सीटें, प्रमुख ये दल हैं और ये प्राप्त सीटें हैं, ये 2019 वाली हैं और ये 2014 में जिस दल को जितनी मिली थी। तो भारतीय बीजेपी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें मिली हैं 2019 में और 2014 में कितनी मिली थी? 282 सीटें। फिर दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो ये इसे 52 सीटें मिली हैं 2019 में, पिछली बार 44 सीटें मिली थी। द्रविड़ मुन्नेत कड़गम इसे 24 सीटें मिली हैं, पिछली बार 0 सीट थी इसकी। फिर युवजन सैमिक रथायु कांग्रेस पार्टी इसे 22 सीटें मिली हैं, पिछली बार 9 सीटें मिली थी इसे। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसे 22 सीटें मिली हैं और 2014 में 34 सीटें मिली थी। शिवसेना को 18 मिली हैं और पिछली बार भी 18 ही मिली थी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटें मिली हैं और पिछली बार 2 सीटें मिली थी मात्र। बीजू जनता दल इसे 12 सीटें मिली हैं, पिछली बार 20 सीटें मिली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी इसे 10 सीटें मिली हैं, पिछली बार 0 सीटें मिली। तेलंगाना राष्ट्र पार्टी समिति इसे 9 सीटें मिली हैं, पिछली बार 11 सीटें मिली थी। ठीक है, तो चलिए और भी हैं जो एक दो दो निर्दलीय हैं कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है लोकसभा चुनाव परिणाम के तहत सबसे कम उम्र की सांसद बनी चंद्रानी मुर्मू 25 वर्ष की बनी है। इन्होंने उड़ीसा के क्योंझर से बीजू जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र की सांसद कौन बना है? चंद्रानी मुर्मू 25 वर्ष की हैं। ठीक, क्योंझर इनकी संसदीय सीट है। 29 जून 2019 को राजस्थान के कोटा से भाजपा सांसद ओम बिड़ला को निर्विरोध 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? ओम बिड़ला को। ये कहाँ से हैं? राजस्थान से, कोटा से भाजपा सांसद हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इससे पहले वीरेंद्र कुमार खटीक जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांसद हैं को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करने वाले बालों में भाजपा के सीआर पाटिल नवसारी गुजरात से प्रथम स्थान पर रहे, जिन्होंने 6 लाख
89,668 मतों से विजय प्राप्त की है। तो याद रखिए 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करने वाले भाजपा के सीआर पाटिल हैं, जिन्होंने 689,668 मतों से विजय प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत भाजपा के प्रीतम मुंडे 6.96 लाख मतों के अंतर को प्राप्त हुई है, अब तक पहुंच रहा है। ठीक है, इन्हें इन्होंने अक्टूबर 2014 में बीड सीट महाराष्ट्र से उपचुनाव में यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक, लेकिन अभी 17वीं लोकसभा में सीआर पाटिल। उत्तर प्रदेश में कुल 11 महिलाएं 17वीं लोकसभा के लिए चुनी गई हैं उत्तर प्रदेश से, और 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं महिला सांसदों को विजयी श्री हासिल हुई है। ठीक है, तो याद रखिए 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई, 78। ठीक है, चुनाव के साथ चार राज्यों के चुनाव हुए थे, आम चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभाओं के। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम के तहत जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली योजन श्रमिक थायु कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीटों पर विजयी हासिल हुई। इसने 175 सदस्यीय विधानसभा में से 151 सीटें हासिल की हैं, जबकि एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी को मात्र 23 सीटों से संतोष करना पड़ा। ठीक है, और 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ESL नरसिम्हा ने YS कांग्रेस के प्रमुख येदुगोरी संदिंती जगनमोहन रेड्डी को राज्य का मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। जगन्ना नाम से लोकप्रिय जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए, जिनमें पी सुभाष चंद्र बोस, के नारायण स्वामी, ए काली कृष्ण श्रीनिवास, पुष्प श्रीवनी पमूला तथा अमजद वासा शेख शामिल। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस समय 60 सदस्यीय विधानसभा में कुल 41 सीटें प्राप्त की। 29 मई 2019 को पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद में शपथ ली है। चोना मीन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, राज्य में पहला अवसर है जब पूर्णता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को सर्वाधिक 112 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें प्राप्त हुई। 29 मई 2019 को नवीन पटनायक ने लगातार 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा में 17 सीटें प्राप्त कर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनी। 15 सीटें प्राप्त कर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट दूसरे स्थान पर। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग PS गोले के नाम से लोकप्रिय हैं। 27 मई 2019 को सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के बारे में। स्टेट ग्लोबल एयर इंडेक्स एयर रिपोर्ट 2019 के अनुसार वायु प्रदूषण विश्व में स्वास्थ्य संबंधी खतरों में से होने वाली मौतों का 5वां सबसे बड़ा कारण है तथा विश्व में वायु प्रदूषण से होने वाली लगभग 25% मौतें भारत में होती हैं। अप्रैल 2019 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य है कार्यक्रम का वर्ष 2024 तक कम से कम 112 शहरों में वायु पार्टिकुलेटर मैटर की सांद्रता को 20-30% तक कम करना है। स्वच्छ वायु कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। इस समिति में अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करेंगे। इस समिति में सदस्यों के रूप में संयुक्त सचिव थर्मल विद्युत मंत्रालय, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के महानिदेशक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को नामित किया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से कराया गया एक 5 वर्षीय कार्यक्रम है। पर्यावरण मंत्रालय के इस देशव्यापी कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में 112 प्रदूषित शहरों की वायु को स्वच्छ करने का संकल्प किया गया। बात करते हैं अटल रैंकिंग के बारे में। अटल रैंकिंग नवाचार उपलब्धियों पर
संस्थानों की अटल रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। 8 अप्रैल 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों को की अटल रैंकिंग को जारी किया। अटल रैंकिंग 2 श्रेणियों यथा सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों तथा निजी संस्थानों के तहत जारी की गई। सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों के तहत शीर्ष 3 संस्थान रहे हैं IIT मद्रास चेन्नई में, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। तो सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों के तहत शीर्ष 3 स्थान कौन है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। निजी संस्थानों की बात करें तो 3 शीर्ष हैं, बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेल्लोर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरधा भुवनेश्वर, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। ठीक, तो याद रखिए टॉप 1 में IIT मद्रास चेन्नई है और निजी में बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेल्लोर। फिर बात करते हैं इंडिया रैंकिंग 2019। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इंडिया रैंकिंग का यह 4वां संस्करण। इस सर्वेक्षण में देशभर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों की को शामिल किया गया है। 8 अप्रैल 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2019 जारी की। उच्च शिक्षण संस्थानों में समग्र रैंकिंग में 3 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान इस प्रकार हैं, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और IIT दिल्ली। शीर्ष 10 उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं, इसमें IIT कानपुर का 6ठा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 10वां है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 18वां स्थान मिला है, IIT बनारसी को 28वां स्थान मिला है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को शीर्ष स्थान मिला है, याद रखिए। अब बात करते हैं भारत के पहले लोकपाल का गठन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और पूछा भी जा सकता है कई परीक्षाओं में। लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। इसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है, जिससे इस अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जाँच की जा सके। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 13 की धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन चयन समिति की सिफारिश पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद घोष को लोकपाल के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया है। याद रखिए पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद घोष, ईसी घोष। ठीक है, ज्ञातव्य कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति जो धारा 3 के खंड खा में विनिर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता है, लोकपाल अध्यक्ष होने की योग्यता रखता है। कुल 8 सदस्यीय पैनल में 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए। न्यायिक सदस्यों में न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोंसले, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी शामिल हैं, जबकि गैर न्यायिक सदस्यों में दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामा सुंदरम, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम शामिल हैं। लोकपाल में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे, याद रखना। अधिनियम 2013 की धारा 6 के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने जो भी पहले हो तक के लिए बने रहेंगे। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 4 से 31 जनवरी 2019 के मध्य देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पश्चिम बंगाल को छोड़कर 4237 स्थानीय शहरों शहरी निकायों एवं कैंटोनमेंट बोर्ड में संचालित किया गया। याद रखिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर कितने हैं? 4237। तो 6 मार्च 2019 को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का परिणाम जारी किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत शीर्ष स्तर के शहरों की रैंकिंग में इंदौर शीर्ष पर रहा है। सर्वेक्षण 2019 के तहत बिहार के सरसा को अंतिम स्थान, सहरसा को 425वां स्थान मिला है, याद रखिए। पहले नंबर पर इंदौर, लास्ट पर सहरसा बिहार का। शीर्ष 50 शहरों में उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर गाजियाबाद 13वें स्थान पर रहा है।
शीर्ष 10 शहरों की बात करें रैंकिंग में, तो इंदौर पहले, फिर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़, मैसूर कर्नाटक, उज्जैन चौथे नंबर पर, नई दिल्ली है पांचवें नंबर पर, अहमदाबाद गुजरात छठे पर, सातवें पर नई मुंबई महाराष्ट्र, तिरुपति आंध्र प्रदेश आठवें, राजकोट गुजरात नौवे, दसवें पर है देवास मध्य प्रदेश, प्रयागराज इलाहाबाद को रैंकिंग में 141वां स्थान मिला है। उत्तराखंड के गोचर को सर्वाधिक स्वच्छ गंगा नगर घोषित किया गया है, ठीक, तो याद रखिए इंदौर, दूसरे पर अंबिकापुर, तीसरे पर मैसूर, चौथे पर उज्जैन और पांचवें पर नई दिल्ली, ठीक। सबसे लास्ट में है सहरसा बिहार का 425, ठीक। बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM, केंद्र सरकार की योजना जिसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह एक स्वैच्छिक और एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है। 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। याद रखें 5 मार्च 2019 को, 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना प्रभावी हुई। इस योजना के योजना देश के असंगठित क्षेत्र के कार्यरत अनुमानित 42 करोड़ श्रमिकों के लिए 3000 करोड़ प्रतिमाह की न्यूनतम निश्चित पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में पात्र असंगठित क्षेत्र तथा इस तरह के अन्य व्यवसाय में कार्यरत 18 से 40 वर्ष के श्रमिक होंगे। ज्ञातव्य है कि पात्र श्रमिकों की मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम होगी। इसके साथ ही उन्हें अन्य पेंशन योजना जैसे नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थी अपने आयु के अनुरूप निर्धारित जितनी राशि का अंशदान करेगी उतनी ही राशि का योगदान केंद्र सरकार अपनी तरफ से करेगी। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का 50% भाग उसके जीवन साथी को मिलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक राष्ट्र एक कार्ड की परिकल्पना राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के तहत की गई थी। इस कार्ड के निर्माण में सीडेक, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने सहयोग किया। 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में परिवहन गतिशीलता हेतु स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC एक राष्ट्र एक कार्ड का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक कार्ड के रूप में इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड धारकों को अपनी बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी के लिए भुगतान करने और यहां तक कि पैसे निकालने की सुविधा भी प्रदान करेगा। परिवहन गतिशीलता के भारत की पहली स्वदेश भुगतान प्रणाली NCMC मानकों पर आधारित है। इसमें NCMC कार्ड स्वीकार, स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली तथा स्वागत स्वचालित गेट शामिल है। कार्ड का गेट और रीडर प्रोटो कार्ड भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के बारे में। 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की तीसरी राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 वर्ष 2008 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लेगी। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले निम्न उपबंध शामिल हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में अगले 7 वर्षों के दौरान खनिजों के उत्पादन में 200% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित किया गया। अगले 7 वर्षों के दौरान खनिज क्षेत्र में व्यापार घाटे में 50% की कटौती भी प्रस्तावित है। अभीक्षण परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस धारकों के लिए नीलामी किस समय पहले अस्वीकार के आधार पर की शुरुआत की है। अन्वेषण कार्य हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, राजस्व साझा के आधार पर RP सह PL सह ML हेतु नए क्षेत्रों की नीलामी करना, खनिज संस्थाओं के विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन देना। वर्ष 2019 की राष्ट्रीय खनिज नीति में निजी क्षेत्र के खनिज कार्यों हेतु वित्त पोषण को प्रोत्साहन करने एवं अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा खनिज परिसंपत्तियों
का अधिग्रहण करने हेतु खनिज गतिविधि को उद्योग ऊर्जा का दर्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। नीति में खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने हेतु समर्पित खनिज गलियारे के निर्माण के उल्लेख के साथ साथ परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों एवं निवासियों की न्यायसंगत विकास हेतु जिला खनिज निधि का उपयोग किए जाने का उल्लेख है। राष्ट्रीय समय स्मारक राष्ट्रीय राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्रीय समय स्मारक के निर्माण की योजना 1961 में विचाराधीन थी। ठीक है, याद रखिए राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र को समर्पित हो गया है। राष्ट्रीय समर स्मारक निर्माण की योजना 1971 से विचाराधीन थी। गहन विचार विमर्श के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अक्टूबर 2015 को इसके निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। नई दिल्ली में सी हेक्सागन पर ग्रेट इंडिया गेट इंडिया के पूर्व में स्थित छतरी के आसपास के क्षेत्र को स्मारक निर्माण के लिए उपयुक्त बताया। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले राष्ट्रीय स्मारक समर स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। स्मारक के मूल तत्व इस प्रकार है, वृक्षों से घिरा घेरे से बना रक्षक चक्र, ग्रेनाइट की पट्टिकाओं में उत्कीर्ण नामों के साथ त्याग चक्र, 6 कांस्य भित्ति चित्रों के साथ वीरता चक्र, स्मारक स्तंभ और अमर ज्योति के साथ अमर चक्र, 1 सतत सजग और सैनिक की प्रतिमा, 21 परमवीर चक्र विजेताओं की आवच प्रतिमाओं के साथ परम योद्धा स्थल, परमवीर चक्र से सम्मानित 21 लोगों की प्रतिमाओं में 3 जीवित लोग सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार की प्रतिमाएं भी शामिल। राष्ट्रीय समर में स्मारक के विन्यास में 4 विशिष्ट वृत्ति शामिल है, जिनके नाम है अमर चक, वीरता चक, त्याग चक और रक्षक चक। यह स्मारक भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न युद्धों भारत चीन पाकिस्तान श्रीलंका में शांति स्थापना के प्रयास व कारगिल संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले 25,942 सैनिकों के सम्मान में बताया गया है। राष्ट्रीय समर स्मारक में मूल के मुख्य वास्तुकार हैं चेन्नई के योगेश चंद्र हासन, याद रखिए इसके वास्तुकार कौन है, चेन्नई के योगेश चंद्र हासन। ठीक है, आगे बात करते हैं 13वीं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2018। 15 जनवरी 2019 को शिक्षा क्षेत्र की शीर्षस्थ गैर व्यवसायिक संस्था पिथम द्वारा 13वीं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2018 जारी की गई। असर 2018 के तहत ग्रामीण भारत के 596 जिलों के 5,998 सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में कितने 354,944 परिवारों और 3 से 16 वर्ष आयु के 546,527 बच्चों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के बताएं तो यह रिपोर्ट ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्कूल में नामांकन और 5 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पढ़ने व गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। 2007 से वर्तमान समय 2018 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का स्कूल में नामांकन 95% से अधिक रहा है। वही अनामांकित आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष बच्चों की संख्या 2018 में पहली बार 3% से घटकर 2.8% पर आ गई। वर्ष 2006 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की प्रतिशत रहा है 10.3%। वही 2018 में यह आंकड़ा नीचे गिरकर 4.1% पर आ गया है। सिर्फ चार राज्यों में यह संख्या 5% से ऊपर है। इसके अलावा 2008 में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 20% से अधिक लड़कियों का स्कूल में नामांकन नहीं था। वहीं वर्ष 2018 में यह आंकड़ा घटकर 13.5% पर आ गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई वर्षों से अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति क्रमशः 72% और 85% के आसपास है। गरीब सवर्णों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आपको पता होगा 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में गरीब सवर्णों को नौकरी में व शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वां संविधान संशोधन विधेयक, याद रखिए 124वां है संविधान संशोधन विधेयक, और 14 जनवरी 2019 को 103वां संविधान संशोधन अधिनियम
याद रखिए, विधेयक है 124 बार और संशोधन अधिनियम है 103 बार। आपको बता दें विधेयक तब तक रहता है जब तक, देखो राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद जब विधेयक कहलाता है, यहाँ तक जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो गरीब सवर्णों को आरक्षण से संबंधित कौन सा विधेयक है, 124 बार, और अधीन संशोधन अधिनियम कौन सा है, संविधान संशोधन, 103 बार। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हुए इस आरक्षण के इस कानून में उन सामान्य श्रेणी के गरीबों को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो, उनके पाँच एकड़ से कम कृषि भूमि के हो, इस कानून में 1000 वर्ग फीट से बड़ा घर होने पर या अधिसूचित म्यूनिसिपल क्षेत्र में 100 गज या उससे अधिक या प्लांट होने पर, गैर अधिसूचित म्यूनिसिपल क्षेत्र में 200 गज या उससे अधिक का प्लॉट होने पर लाभ से वंचित किया जाएगा। बात करते हैं आकांक्षी जिलों की दूसरी डेटा रैंकिंग आ गई उसके बारे में। आकांक्षी जिलों की दूसरी डेटा रैंकिंग, आकांक्षी जिलों की दूसरी डेटा रैंकिंग में परिवारों के मध्य कराए गए सर्वेक्षण को के सत्यापित आंकड़े पहली बार शामिल किए गए। ये सर्वेक्षण नीति आयोग के ज्ञान साझेदारी जैसे टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा कराए गए। ये सर्वेक्षण जून 2018 के दौरान सभी आकांक्षी जिलों में कराए गए जिनके अंतर्गत 1 लाख से अधिक परिवारों को आच्छादित किया गया। उल्लेखनीय है केरल के वायनाड जिले के परिवार सर्वेक्षण आंकड़े उपस्थित नहीं होने के कारण इसे इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, 27 दिसंबर 2018 को नीति आयोग के मुख्य अधिकारी अमिताभ कांत द्वारा 111 आकांक्षी जिलों की दूसरी डेटा रैंकिंग जारी की गई है जिसके अंतर्गत 1 जून 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के मध्य स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि एवं जल संसाधन वित्तीय समावेशन कुशल विकास कौशल विकास आधारभूत ढांचे जैसे 6 विकास क्षेत्रों में 111 जिलों द्वारा की गई प्रगति को मापा गया। तो समग्र रैंकिंग में सर्वाधिक एवं न्यूनतम सुधार दर्शाने वाले जिलों की बात करें तो ये जिला हो गए और ये न्यूनतम वाले हो गए। तो एक पर है विरुधुनगर तमिलनाडु पर, दूसरे पर नवापाड़ा उड़ीसा का है, तीसरे पर सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का, औरंगाबाद पांचवें पर बिहार कोरापुट उड़ीसा है, 111वें पर रहा है पाकुड़ झारखंड, 110वें हैलांकी हैलाकांडी असम का है, 109वें चतरा झारखंड, 108 पर गिरिडीह ये झारखंड का, 107 पर है किफायर, ठीक है याद रखिए, एक फर्स्ट पर है विरुधुनगर, लास्ट पर है पाकुड़। जिन जिलों में ने पिछली डेटा रैंकिंग के बाद से अपने सुधार की गति में उल्लेखनीय वृद्धि की है उन्हें फास्ट मूवर्स की संख्या दी गई। रैंकिंग तीन के लिए सिद्धार्थनगर, 24 चित्रकूट, 25 फतेहपुर, 41 सोनभद्र ये उत्तर प्रदेश के हैं, 49 पे चंद्रौली, 52 पे श्रावस्ती, 60 पे बलरामपुर, 66 पे बहराइच। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख चुके हैं आकांक्षी जिलों की दूसरी डेटा रैंकिंग तक। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018 को, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018 को। ठीक,